श्री अकाल दोस्तों, पंजाब टीवी यूट्यूब चैनल देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है जी। 20 नवंबर दियां सूबे पंजाब दी ताज़ा तरीन खबरों के नाल फिर तो हाजिर हुए हैं जी। पंजाब के हर जिले की ताज़ा तरीन खबर तुहाडे सामने पेश करांगे। उस तो पहला वीडियो नूं लाइक कमेंट ते शेयर करना ना भुलना, तां कि खबरों का ताज़ा नोटिफिकेशन तुहानूं टाइम उत्ते मिलता रहे। गल करते हैं सब तो पहली खास खबर की। सरकार की सख्ती मगरों किसानों का वड्डा ऐलान, रेल महकमे सामने रखी नवीं शर्त। पंजाब च किसानां दे अंदोलन कारण हुण हालात विगड़न लग पे हन। केंद्र सरकार की सख्ती ने किसानां दा गुस्सा होर वधा दिता है। हुण किसानां ने ऐलान किया है कि संघर्ष होर तेज होएगा ते इसनूं देश व्यापी किया जाएगा। इस दे नाल ही किसानां ने माल गड्डियां चलाउण लई यात्री गड्डियां लई भी लांघा देण दी शर्त रद्द कर दिती है। सगों किसानां ने केंद्र अगे शर्त रखी है, पहला माल गड्डियां चलाओ, यात्री गड्डियां बारे फिर ही सोचांगे। खबर एजेंसी मुताबक अंदोलन कारण रेलवे नूं 33 रेल गड्डियां रद्द करनियां पईआं हन, जदकि 11 रेलां नूं अपने टिकाणे उत्ते पुज्जण तों पहलां ही रोक दिता गया है। इस दौरान किसानां ने कहा कि उन्हां दा अंदोलन जारी रहेगा। पंजाब दीआं किसान जथेबंदियां ने केंद्र दे जिद्दी रवैये की निखेधी करदिआं रेलां चलाउण दे मामले उत्ते कहा कि सरकार पहलां माल गड्डियां चलावे, उस तों बाद ही यात्री रेलां नूं चलण देण बारे विचार कीता जाएगा। रिपोर्ट मुताबक पंजाब च किसानां दे अंदोलन कारण भारतीय रेल नूं इकल्ले माल भाड़े तों होण वाली आमदनी च 1670 करोड़ रुपए का नुकसान होया है। किसानां दा अंदोलन चलदिआं 52 दिन हो चुके हन। इस अंदोलन कारण 16 नवंबर तक 1986 यात्री रेलां ते 3090 माल गड्डियां रद्द हो चुकियां हन। रेलवे मुजाहरकारी किसानां दे सिर्फ माल गड्डियां शुरू करन दा प्रस्ताव मानण तों इनकार कर दिता है। इस नाल संकट होर डूंघा हो गया है। इस अंदोलन कारण रोजाना लगभग 36 करोड़ रुपए के माल भाड़े का नुकसान हो रहा है। यह खबर जलंधर तो विदेश च रहिंदे बेटे नाल वीडियो कॉल ते गल करदे समय औरत ने लिया फाहा। विदेश रहिंदे अपने बेटे नाल वीडियो कॉल उत्ते गल करदे समय औरत ने फाहा लैके अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। महिला के बेटे ने तुरंत इसकी सूचना अपने रिश्तेदारों ते गुआंढियों नूं दित्ती, जिस तों बाद गुआंढियों ने इसकी जानकारी पुलिस नूं दित्ती। पुलिस ने मौके उत्ते पहुँच के अगलेरी कार्रवाई शुरू कर दित्ती है। हालांकि औरत वल्लों खुदकुशी किए जाण दे कारणां दा अजे तक पता नहीं लग सकिया है। अगली खबर, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का सरूप अटैची च पा के अमृतसर तों पुणे जा रहा व्यक्ति गिरफ्तार। श्री गुरु रामदास जी कौमांतरी हवाई अड्डा राजासांसी तो स्पाइस जैट की उड़ान राही अटैची च पा के श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का सरूप महाराष्ट्र के पुणे विखे ले जा रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल इत्थे वख-वख सिख जथेबंदियां अते पुलिस के उच्च अधिकारी पहुँच चुके हैं। पुलिस वालों इस मामले की बरीकी नाल जांच की जा रही है। अगली खबर, ड्रग तस्कर गुरदीप राणो नाल रणजीत बावा की तस्वीर वायरल होने का सच आया सामने। पंजाबी गायक रणजीत बावा इन्हीं दिन अपनी वायरल हो रही एक तस्वीर नूं लैके विवादां च हन। रणजीत बावा की जो तस्वीर वायरल हो रही है उस चो हीरोइन तस्करी च गिरफ्तार किए गए सबका अकाली सरपंच गुरदीप सिंह राणो नाल नज़र आ रहे हैं। इस संबंधी एक शिकायत जलंधर ईडी दफ्तर विखे बीजेपी के वाइस प्रधान अशोक सरीन वालों दी गई। अशोक सरीन वालों कहा गया कि रणजीत बावा के गुरदीप सिंह राणो नाल संबंध हो सकते हैं, जिसकी जांच होनी चाहिए है। इस उत्ते अज रणजीत बावा के मैनेजर डिप्टी वोहरा वालों स्पष्टीकरण दिता गया है। डिप्टी वोहरा ने कहा कि यह तस्वीर गीत छोटे छोटे घर की शूटिंग दौरान की है। अगली खबर, पंजाब हरियाणा के चंडीगढ़ के सबका फौजियों वन रैंक वन पेनशन का बकाया जारी। वन रैंक वन पेनशन संघर्ष कर रहे पंजाब हरियाणा के चंडीगढ़ के सबका फौजियों लिए बकाया पेनशन राशि के 2063.41 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। केंद्र सरकार की मंजूरी बाद यह राशि सबका फौजियों के खातों में ट्रांसफर कर दी गई है। इस हरियाणा के 1,84,126 सबका फौजियों लिए 909 करोड़ और पंजाब के 2,11,915 सबका फौजियों लिए 1,095 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार सबका फौजियों की बाकी बकाया राशि भी जल्द जारी करेगी। उधर सबका फौजी हुण भी नाखुश हैं, उन्होंने कहना है कि सरकार वालों बकाया राशि का जो अंकड़ा जारी किया गया है वह पहलों का है। अगली खबर, श्रोमणी अकाली दल नूं वड्डा झटका, दो सीनियर लीडरां वल्लों अस्तीफा। पंजाब दे नाल ही दिल्ली विच श्रोमणी अकाली दल लई मुसीबतां वधदियां जा रहियां हन। अज पार्टी नूं उस वेले तकड़ा झटका लगा जदों दिल्ली कमेटी दे दो सीनियर मैंबरां ने अस्तीफा दे दिता। दस दईए कि जतिंदर सिंह साहनी ते हरिंदर पाल सिंह ने अस्तीफा दिंदिआं
पार्टी की कार्यशैली उत्ते फैसलों उत्ते सवाल उठाए हैं। इन्ह अस्तीफिया अकाली दल की मुश्किल बढ़ सकती है क्योंकि अगले समय में दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी चोणा भी हो जा रही हैं। खबर मोहाली तो मापिया के इकलौते पुत की गीजर की गैस चढ़न हुई मौत। पंजाब के हालात दिनों दिन विगड़ रहे हैं, हर रोज़ अणसुखावियां घटनावां वापर रही हैं। अजिहा ही मामला पिंड मनोली तो सामने आया है जिते 20 साल सुखमन सिंह की गीजर की गैस चढ़न मौत हो गई। दस दिए कि सुखमन सिंह खेतों काम करके घर परत्या ते आके नहाउण लई बाथरूम गया। थोड़े समय बाद सुखमन के फोन उत्ते कॉल आउंदी है ते उसका पिता उस नाल गल करवाउण लई बाथरूम विच उसनूं फोन फड़ाउण लई जांदे हन। बाथरूम च सुखमन की आवाज़ ना आने दे उसके पिता ने दरवाजा तोड़ दिता तो उन्होंने वेख्या कि सुखमन बेहोश पिया सी। परिवारक मैंबर ने हस्पताल ले जाया जिथे डाक्टर ने उसनू मृतक घोषित कर दिता। यह खबर सूबे की मर्जी तो बगैर सूबे विच जांच नहीं कर सकती CBI सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो नूं किसी भी मामले की जांच करन तों पहलां उस सूबे की सहमति लैनी लाजमी है। 8 सूबों वालों आपसी सहमति वापस ले जाने तो बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिता है। एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना एक्ट अधीन दिते अधिकार अधिकार खेत्र में CBI नूं किसी भी मामले की जांच करन तों पहलां संबंधित राज सरकार तों सहमति लैनी जरूरी है। खबर मौसम बारे, मौसम विभाग वालों ठंड वधन बर्फबारी ते मीह पैण दा अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के जम्मू कश्मीर के कुछ उचाई वाले इलाकों बर्फबारी तो बाद उत्तरी भारत के ज़्यादातर हिस्सों में पारा काफ़ी हेठां आ गया है। मौसम विभाग मुताबक अगले दिनों में पंजाब ते हरियाणा के मैदानी इलाकों में शीत लहर पूरी तरह पकड़ बना लवेगी। दिवाली मगरों पई बारिश नाल मैदानी इलाकों में पहला ही ठंड वध गई है। मौसम विभाग मुताबक पहाड़ों उत्ते बर्फबारी मगरों मैदानी इलाकों शीत लहर का सिलसिला शुरू हो गया है। उधर संघनी धुंद कारण वीरवार सवेरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में आम जनजीवन प्रभावित रहा। भारत के दक्षणी हिस्सों तमिलनाडु पुडुचेरी केरल के वक्वक हिस्सों में भारी मीह की संभावना है। खबर जलंधर तो मां के संस्कार उत्ते पुत्तां दी करतूत शमशान घाट नूं बनाया जंग का मैदान, लकड़ां चुक चुक मारियां। शहर के प्रसिद्ध पैलेस के मालक दो भरावां शर्मनाक करतूत उस समय वेखण नूं मिली जदों अपनी मां के संस्कार मौके शमशान घाट च ही दोवें भरा भिड़ गए। इस दौरान दोवां भरावां विचकार गाली गलोच होया ते बाद च नौबत इत्थों तक पहुँच गई कि संस्कार लई रखियां लकड़ां चुक के उन्हां एक दूजे उत्ते हमला कर दिता। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँच गई पर किसी भी धिर वालों पुलिस को शिकायत नहीं दी गई। प्राप्त जानकारी अनुसार पैलेस मालक दो भरावां की मां का मंगलवार को शहर के एक शमशान घाट अंतिम संस्कार से दोवां भरावां विचकार प्रॉपर्टी को लेकर पहले तो ही विवाद चल रहा है जिस कारण उन्हां विचकार बोलचाल भी बंद सी। अजिहे च संस्कार दौरान एक भरा शमशान घाट च आ गया जिसने अपनी मां के अंतिम दर्शन करने की इच्छा प्रगटाई पर दूजे भरा ने उसनू मां की मृतक के नेड़े आने तो रोक दिता। इस दौरान दोवां विचकार पहला ही तां गाली गलोच होया तो बाद च उन्हें एक दूजे उत्ते लकड़ां नाल हमला कर दिता। सूत्रां दी मन्नीए तां दोवां धिरां दे रिश्तेदार भी इस दौरान भिड़ गए सन। इस दौरान दोवां धिरां दे कुछ लोग मामूली जख्मी भी होए हन। दूजे पासे थाना नंबर 2 दे इंचार्ज सुखवीर सिंह ने कहा कि शमशान घाट च दोवां भरावां विचकार हत्थोबाजी की सूचना तो बाद पुलिस की टीम उत्थे भेजी गई सी। उदों तक मामला शांत हो गया सी पर किसी भी भरा ने उन्हां नूं लिखती शिकायत नहीं दित्ती। खबर बठिंडा तो उद्घाटन तो पहला ही किसानों ने बंद करवाया भाजपा का दफ्तर। एक पासे किसान अपने भविख नूं लैके चिंता च हन। इस चिंता का कारण नवें खेती कानून हन जिन्हां नूं केंद्र सरकार ने बनाया है ते दूजे पासे भाजपा पंजाब च अपनी सियासी जमीन खोज रही है। 2022 दीआं चोणां नूं लैके पंजाब भर विच नवें दफ्तर खोल रहे हन। इस दे चलदिआं बठिंडा दे मित्तल मॉल नेड़े भाजपा वल्लों नवें दफ्तर नूं खोलण संबंधी समागम सी जिस उत्ते किसानां ने हल्ला बोल दिता ते शुरू होण तों पहलां ही समागम बंद करवा दिता। भाजपा के दफ्तरां दे उद्घाटन लई भाजपा के कौमी प्रधान JP नड्डा ने पंजाब आउणा सी पर उन्हां ने अपना पंजाब दौरा रद्द कर दिता सी। खबर डिसमिस होण तों बाद पुलिस मुलाजम देण लगा लुट दीआं वारदातां नूं अंजाम, साथी समेत आया पुलिस अड़िके। डिसमिस होण तों बाद एक पुलिस मुलाजम लुट्टां खूहां दीआं वारदातां नूं अंजाम देण लग पिया। गुप्त सूचना के आधार पर थाना डिवीजन नंबर 8 की पुलिस ने लुधियाना तो नकाबंदी करके मुलजम जगजीत सिंह उसके साथी दिनेश कुमार राजू को गिरफ्तार किया।
पुलिस ने काबू किए दोवां मुलजमान के कब्जे च दो मोबाइल फोन बरामद किए हैं। जानकारी दिंदा थाना डिवीजन नंबर 8 के ASI सतनाम सिंह भुल्लर ने दसिया कि मुलजम जगजीत सिंह पुलिस में तैनात से लगातार गैर हाजिर रहने के चलते उसनू डिसमिस कर दिता गया। डिसमिस होने तो बाद मुलजम अपने साथी दिनेश कुमार राजू नाल मिल के लुट्टां खोहां दीआं वारदातां नूं अंजाम देण लग पिया। सो दोस्तों ये सन अज दीआं ताज़ा तरीन खबरां। इसे तरह हर रोज़ ताज़ा खबरां पाउण लई चैनल नूं सबसक्राइब करो जी, ते वीडियो नूं लाइक कमेंट ते शेयर करना ना भुलना। धन्नवाद दोस्तों।